पाकिस्तान के लोग, यही जिनको पाकिस्तान के लोग कहते हैं, वही अल्पसंख्यक समाज इसी गोरखपुर जनपद में योगी जी को हरा करके समाजवादी झंडे पर, समाजवादी सिंबल पर डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को सांसद बनाने का काम किया था। क्या उस समय वो पाकिस्तानी नहीं थे? ये डॉक्टर संजय भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलते हुए निषाद समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के लोगों ने उनको नकार दिया है, उनका व्यापार नहीं चलने पाएगा। निषाद समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय से अब किनारा कस लिया है। तो क्या आप मानते हैं, संजय निषाद कहते हैं कि आप मानते हैं कि जहां निषाद है वहां संजय निषाद है, जहां संजय निषाद है वहां निषाद समाज है, इस पर आप कितना भरोसा करते हैं? देखिए, अब जहां निषाद समाज है वहां निषाद समाज है, और जहां डॉक्टर संजय निषाद हैं वहां भाजपा नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं, कोई वहां निषाद नहीं है। निषाद समाज का किसी भी जात से कोई विरोध नहीं है। हमारा अल्पसंख्यक तो हम लोग भाई भाई हैं, अल्पसंख्यक सुख दुख में हमारे समाज की मदद करता है, तो हमारा कौन सा उनसे कंपटीशन लगा हुआ है? अभी आपने देखा डॉक्टर संजय निषाद का यहाँ स्थापना दिवस चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे कब्जा कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार के डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जहां वहां निषाद समाज है? अभी घोसीबाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद हर जिले में जश्न मनाया जा रहा है, और बाई इलेक्शन एक 2024 के पहले सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था, और समाजवादी पार्टी की अपार सफलता के बाद आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर में कार्यालय पे लोग मिठाइयां बांट रहे, जश्न मना रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े नगीना साहनी जी हैं। साहनी जी, सबसे पहले आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी इस ऐतिहासिक सफलता के लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है, देखा जाए तो लगातार बाई इलेक्शन में ये कहा जाता था कि सत्ताधारी दल जीतता है चुनाव। देखिए, घोसी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब से इंडिया का गठन हुआ, ये भारत का पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और घोसी की जनता ने जो नफरत फैलाने वाले लोग थे, ऐसे लोगों को चुनाव हरा करके ये संदेश देने का काम किया है कि अब नफरत फैलाने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। देश में आने वाले दिनों में 2024 में भी, 2024 के लिए एक संदेश है कि 2024 में नफरत फैलाने वाले लोग बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके सरकार बनाने का काम करेगा। देखा जाए तो कई दलों के नेता वहाँ पर गए और लगातार दावे किए कि खासकर ओम प्रकाश राजभर कि ये मुकाबला अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर कभी नेता थे नहीं, आप जैसे मीडिया के लोग मिलकर के उस जोकर को नेता बना दिए। आप लोग भी चूंकि वो है आदमी तो शुद्ध रूप से जोकर है, जिन जिन शब्दों का वो व्यक्ति प्रयोग करता है, वो कहता है कि अगर हम चुनाव हार गए तो अपने माँ बाप के असल बेटा नहीं। उसने कहा कि पिछड़ा समाज के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वो वहाँ जा करके झूठा भारतीय जनता पार्टी में योगी मोदी और अमित शाह का झूठा साफ करते हैं। उसने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े झूठे और फ्रॉड नेता अगर कोई है तो योगी मोदी और अमित शाह जी हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो चिपक जाता है। उसके बाद जब पूछा जाता है तो कहता है मैं बेशर्म हूँ, और अपनी तुलना करता मानी अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी से। तो देखिए, उसको तो आप लोगों ने नेता बना दिया, वो व्यक्ति जोकर है, कहीं भी अपने समाज का नेता नहीं है। वहाँ के घोसी के राजभर समाज और सभी लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है कि हम उसी को चुनाव जिताएंगे जो समाज हित में काम करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के वो कार्य जो 108 नंबर, 102 नंबर, 100 नंबर बेरोजगारी भत्ता, उन कार्यों को लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों से तुलना किया तो घोसी की जनता को लगा कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष हैं, उनके नाम पर लोगों ने वोट देने का काम किया। और जिस ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, राजभर समाज के लोगों ने कहा कि ये तो बिरादरी का सौदागर है, ये समाज को केवल बेच करके अपने को स्थापित कर रहा है, इस नाते उसकी बातों को वहाँ के लोगों ने नकार दिया। देखा जाए, आप भी निषाद बिरादरी से आते हैं, पूर्वांचल की राजनीति निषादों की कीर्ति काफ़ी घूम रही है। संजय निषाद कह रहे थे कि मेरा झंडा बैनर चुरा लिया गया, मेरे झंडे बैनर को हटा के दूसरे पार्टी का झंडा बैनर। देखा जाए, संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर आपस में कहीं ना कहीं लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं वैसे ही डॉक्टर संजय निषाद हैं। डॉक्टर संजय निषाद का जन्म हुआ था आरक्षण से, लेकिन आज बताइए, जिस व्यक्ति का जन्म आरक्षण से हुआ था आज वो खुद मंत्री हैं, बेटा विधायक है, एक लड़के सांसद हैं, लेकिन कहीं भी वो आरक्षण का नाम नहीं ले रहे हैं। तो निषाद समाज के लोगों ने ये समझ लिया कि ये पार्टी बना करके केवल सौदा कर रहे हैं, व्यापार करके अपने को मजबूत कर रहे हैं। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से डॉक्टर संजय का निषाद समाज ने तुलना किया तो लोगों ने पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने
सताई गई हमारे समाज की नेता फूलन देवी को जेल से रिहा करा करके सांसद बनाने का काम किया, और जिस डॉक्टर संजय को आरक्षण के नाम पर वहां तक पहुंचाया गया, आज वो व्यक्ति आरक्षण का नाम नहीं ले रहा है। आज निषाद समाज को मूर्ख बनाने के लिए वो आदमी कहता फाइल चल रही है, तो आप बताइए, मैं घोसी में हर निषाद गांव और परिवार में गया हूँ, वहाँ के लोगों ने कहा और हम लोगों ने भी उनसे कहा कि अगर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दिन में कर सकती है, तो निषाद समाज को आरक्षण देने की कौन सी फाइल दौड़ रही है, कौन सी फाइल धूल खा रही है। संजय निषाद कहते हैं कि सपा बसपा के बैठे हुए अधिकारी हैं और ये जो फाइल दबा के रखते हैं, बहुत टाइम लगेगा इन अधिकारियों को एक एक करके हटाया जा रहा है। देखिए, निषाद समाज बहुत ठगा जा चुका है, निषाद समाज बहुत ठगा जा चुका है। अगर आपको लगता है कि सपा बसपा अधिकारियों ने फाइल को दबा रखा है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मिनिस्टर हैं, आप रोज योगी के साथ फोटो लगाते हैं, मोदी जी के साथ फोटो लगाते हैं, तो आखिर आपके नेता योगी मोदी कर क्या रहे हैं। और अगर एक दिन में सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जा सकता है, तो निषाद समाज को आरक्षण देने में वर्षों क्यों लग जा रहा है। आज निषाद समाज के लोगों ने सौदागरों को समाज से बाहर कर दिया है, और घोसी विधानसभा के निषाद समाज को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को उस कार्य का उन लोगों ने याद किया। मैं गया तो निषाद समाज के लोगों ने कहा कि साहब, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मछुआ आवास के रूप में 3,20,000 रुपया हमको मिल रहा था, और यही योगी की सरकार आई तो 2,00,000 घटा दिया गया, 1,20,000 कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार और डॉक्टर संजय निषाद जी केवल निषाद समाज का सौदा करके अपने को मजबूत कर रहे हैं, ये घोसी के निषाद समाज के लोगों ने कहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ घोसी में निषाद समाज को, जो एक एक वोट एक तरफा निषाद समाज ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके संदेश देने का काम किया है। चूंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने भी निषाद समाज को एक बार अनुसूचित जाति की सुविधा दिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में अनुसूचित जाति की सुविधा दिया, लेकिन चूंकि हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रही है, कोर्ट से स्टे हो गया और बसपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस शासनादेश को वापस ले लिया था, तो एक उम्मीद के साथ निषाद समाज के लोगों ने सपा प्रत्याशी को जिताया है कि 2024 में जब इंडिया जीतेगी तो निषाद समाज को अनुसूचित जात की सुविधा मिलेगी। जब गणना शुरू हो रही थी तो संजय निषाद कह रहे थे कि अभी गणना पाकिस्तान के तरफ से शुरू हुई है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि निषाद समाज के लिए कोई पाकिस्तान नहीं है, यही पाकिस्तान के लोग, यही जिनको पाकिस्तान के लोग कहते हैं, वही अल्पसंख्यक समाज इसी गोरखपुर जनपद में योगी जी को हरा करके समाजवादी झंडे पर, समाजवादी सिंबल पर डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को सांसद बनाने का काम किया था। क्या उस समय वो पाकिस्तानी नहीं थे? ये डॉक्टर संजय भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलते हुए निषाद समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के लोगों ने उनको नकार दिया है, उनका व्यापार नहीं चलने पाएगा। निषाद समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय से अब किनारा कस लिया है। क्या आप मानते हैं, संजय निषाद कहते हैं कि आप मानते हैं कि जहां निषाद है वहां संजय निषाद है, जहां संजय निषाद है वहां निषाद समाज है, इस पर आप कितना भरोसा करते हैं? देखिए, अब जहां निषाद समाज है वहां निषाद समाज है, और जहां डॉक्टर संजय निषाद हैं वहां भाजपा नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं, कोई वहां निषाद नहीं है। निषाद समाज का किसी भी जात से कोई विरोध नहीं है। हमारा अल्पसंख्यक तो हम लोग भाई भाई हैं, अल्पसंख्यक सुख दुख में हमारे समाज की मदद करता है, तो हमारा कौन सा उनसे कंपटीशन लगा हुआ है। अभी आपने देखा डॉक्टर संजय निषाद का यहाँ स्थापना दिवस चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे कब्जा कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार के डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जहां वहां निषाद समाज है। अभी 2022 के चुनाव में 16-17 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद को दिया था, लेकिन एक भी निषाद अपवाद छोड़ के एक भी निषाद समाज को उन्होंने विधायक बनाने का काम नहीं किया। वो तो निषाद समाज के विरोधी हैं, निषाद समाज के दुश्मन हैं। वो सोचते हैं निषाद समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो हमारी बराबरी कर लेगा। उनको वही निषाद पसंद है जो जा करके उनका पैर दबाए, जो जा करके उनको वाटी दिखाए, ऐसे निषाद समाज के लोगों को वो अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और किसी भी हाल में अब डॉक्टर संजय निषाद के झांसे में आने वाले नहीं हैं। वो तो कहते हैं कि फूलन देवी जमुना निषाद जी को भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मरवाया कि एक निषाद समाज का नेता आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम अपना झंडा, अपना बैनर, अपना टोपी, अपना वकील खड़ा कर दिए हैं। देखिए, जिस समय फूलन देवी का मामला, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, फूलन देवी को जेल से किसने निकाला था?
अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो पेड़ होता है तो उसकी हम सुरक्षा करते हैं। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी को जेल से रिहा कराया, और इतना ही नहीं, फूलन देवी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया, और इतना सम्मान देने के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति उनको भोजन पर बुला करके सम्मानित करता है। ये सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी को दिया था। और यही नहीं, आज जो वो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिस दल के वो राजनीति कर रहे हैं, आज जो वो फूलन देवी जी की जिसने हत्या किया था शेर सिंह राणा, आज कोई चीज़ छिपा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। शेर सिंह राणा जिसने फूलन देवी की हत्या किया, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, डॉक्टर संजय निषाद के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है, डॉक्टर संजय निषाद के साथ गले मिलने का काम करता है। तो कहाँ से फूलन देवी का समाजवादी सरकार ने नुकसान किया है? ये काम तो शेर सिंह राणा ने किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है। सब कुछ सोशल मीडिया पर है, समाज के लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद निषादों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो दूसरी जातियों में अझुरा करके नफरत फैला करके निषादों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन घोसी की के चुनाव में निषाद समाज ने संदेश दे दिया कि डॉक्टर संजय निषाद, हम तुम्हारे और निषाद समाज के लोग गुलाम नहीं हैं। अगर निषाद समाज का तुम आरक्षण नहीं दिला सकते हो तो निषाद समाज के लोग अब हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जिसकी तुम सिफारिश करोगे उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। ये संदेश घोसी की निषाद समाज के जनता ने दिया। 2024 की क्या तैयारी है आप लोग की? 2024 एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अभी आपने देखा इंडिया गठबंधन का ये पहला चुनाव था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 40-45 मिनिस्टर उतर करके भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे तंत्र को अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन घोसी की सामान्य जनता ने, आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, पिछड़े दलितों और सामान्य अल्पसंख्यक लोगों ने वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके संदेश देने का काम किया है कि आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यहां की जनता एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अब तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हम मौजूद थे। आपको बता दें घोसी में बाई इलेक्शन सफलता के बाद लगातार हर जगह सपा कार्यालय पे जश्न मनाया जा रहा था। आज गोरखपुर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक करके एक दूसरे को बधाइयां दी। आगे देखा जाए 2024 की तैयारी के तौर पर चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है।